हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हैस्ब्रो 1998 आई मैन एक्शन फिगर फ्रॉम हीरोज रिटर्न। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, फिगर की बात करें तो इसमें डिटेलिंग और पेंट जॉब काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका हेड स्कल्प्ट काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। साइड से काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, और गाइस आगे से पीछे से काफ़ी अच्छे तरीके से इस फिगर को बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइस ये दोनों, इसके जो शोल्डर्स पर रहेंगे थोड़े रबर टाइप हैं और ऊपर नीचे मूव हो सकते हैं गाइस। और आप इसकी देख सकते हैं आर्म्स और लेग्स पर काफ़ी अच्छे तरीके से पेंटिंग ने किया है, और फुटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। हैंड्स पर भी डिटेलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल जाती है। गाइस इसके चेस्ट पे ये आर्क रिएक्टर भी काफ़ी मस्त लग रहा है। ये देखिए, डिटेलिंग काफ़ी अच्छी खासी की गई है, सेम जैसे हीरोज रिटर्न में था आयरन मैन, वैसा ही हमें यहाँ देखने को मिल जाता है गाइस। तो गाइस ये थी फिगर की डिटेलिंग, अब हम बात कर लेते हैं इसकी आर्टिकुलेशन की। सो गाइस, आर्टिकुलेशन की बात करें तो इसका हेड इतना ऊपर देख सकता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये नीचे भी देख लेता है, एंड साइड टू साइड मोशन, और थोड़ा बहुत ही स्टिल्ट भी कर सकता है। मूवेबल टॉर्सो, और इसकी आर्म्स ऐसे 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, और इतनी ऊपर ये जाती है। बाइसेप कर्ल और डबल जॉइंटेड एल्बोस, एंड इसके हैंड्स भी मूवेबल हैं गाइस, एंड वेस्ट रोटेशन गाइस। इसकी ऐसे लेग्स स्प्लिट हो सकती हैं, और इतनी ऊपर ये लेग जाती है। डबल जॉइंटेड नीज, एंड ऊपर नीचे फुट भी हो सकता है गाइस। ये रेड जो पैड है ये अलग मूव होता है गाइस, ये देखिए, इसके साथ अटैच नहीं है, ये अलग मूव होता है, और थाइस भी मूवेबल हैं। सो गाइस, इतनी हमें इसमें आर्टिकुलेशन देखने को मिल जाती है। अब हम कर लेते हैं कुछ हाइट कंपैरिजंस। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।